अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन। अब हमारे पास ना मसला ये है कि मैंने आपसे कहा है कि वेंटिलेटर इज नेसेसरी थिंग, लेकिन इसके बहुत ज्यादा ना डिसएडवांटेजेस इन दैट सेंस है कि ये बहुत डैमेज भी कर सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तो हम इस पर शिफ्ट ना करें पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की लाइफ सेव करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है व्हाट्स एवर एल्स। तो अगर हमारा पेशेंट, मैंने आपको कंडीशन बता दी कि रेस्पिरेटरी एफर्ट शो नहीं कर रहा, कॉमा में जा रहा है, डिलीरियम की स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट मेंटेन नहीं है, तो हमें उसको, और साथ लंग्स डैमेज है जाहिर सी बात है, तो हमें उसको लाजमी तौर पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू डू इंट्यूबेशन। अब इंट्यूबेशन के लिए आपने ये सोचना होता है कि आपने पहली बात तो ये कि टाइम पे इंट्यूबेट करना है। ये भी नहीं कि बहुत देर लगा के कर दिया कि अब इंट्यूबेट करने का फायदा ही नहीं। इंट्यूबेट करने का मतलब ये होता है कि चेस्ट ट्यूब डालनी है आपने, जो कि अंदर आपके चेस्ट तक जाती है मुंह से, और आपका जो अब एयर प्रोवाइड होगी वो डायरेक्टली लंग्स को होगी, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ आपने देखना ये होता है जरूरी कि जो आपका सबसे एक्सपीरियंस्ड वर्कर अवेलेबल होता है वो इंट्यूबेशन करे, क्योंकि अगर जरा सा भी अनएक्सपीरियंस वर्कर हुआ तो इट कैन कॉज सिवियर इंजरी टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। फिर आपने जाहिर सी बात है कि पेशेंट को जब भी वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं तो उसको सिडेशन देनी होती है। ओके देन, तो फिर हमारे पास दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि पेशेंट को हमें लाजमी तौर पे सिडेशन पे शिफ्ट करना होता है, सॉरी सिडेशन देनी होती है इस वजह से क्योंकि अगर पेशेंट होश में होगा तो हो सकता है कि वो अपनी कोशिश करे कभी अचानक से ब्रीदिंग खुद ब खुद करने की। इवन हमें उसको साथ ना मसल रिलैक्सेंट्स भी देने होते हैं। मसल रिलैक्सेंट देने का मकसद ये होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एफर्ट ना करे आफ्टर शिफ्टिंग ऑन वेंटिलेटर। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो चेस्ट ट्यूब वगैरह गई भी होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने दिए हुए होते हैं, अगर वो खुद से ज्यादा कोशिश करेगा और उसके लंग्स ज्यादा मूव करेंगे तो ऑलरेडी डैमेज्ड लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज होने का खतरा होता है। तो हम मसल रिलैक्सेशन इसीलिए साथ देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं ताकि पेशेंट खुद से ज्यादा कोशिश ना करे और उसकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन वगैरह सब कुछ मेंटेन रहे, ठीक है। सिडेशन इसीलिए देते हैं ताकि उसको, जाहिर है ये पूरा इतना बड़ा ट्रॉमा होता है कि आपके चेस्ट तक एक ट्यूब गई हुई है, तो डेफिनेट सी बात है कि पेशेंट उसको, अगर वो होश में होगा तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको सिडेशन देना लाजमी होती है। ये चीजें देने के बाद, और ये भी हमने बहुत सोच समझ के अप्रोप्रिएट चीजें चूज करनी होती है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। उसके बाद हम फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे, अब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद हमारे पास होती है एक चीज को कहते हैं मैंडेटरी वेंटिलेशन। मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब होता है वेंटिलेटर के ना डिफरेंट मोड्स होते हैं। डेफिनेटली मैं सारे मोड्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन मोटी सी बात जो आपको पता होना चाहिए, मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हम एक परमानेंट जगह पे वेंटिलेटर को सेट कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक चीज उसने इतना टाइडल वॉल्यूम पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का और जो भी एयर है उसका देना है, और इतने मतलब ये प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम होगा, इस तरह से ये चलेगा, जो कि जिसमें सारा कंट्रोल हम वेंटिलेटर के ऊपर दे देते हैं। जरा सी भी पेशेंट की हम रेस्पिरेटरी एफर्ट को बीच में शामिल नहीं रखते। जब पेशेंट को इनिशियली वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है ना, तो इनिशियली जब हम भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं तो मोस्टली उसको शुरू में मैंडेटरी वेंटिलेशन पे ही शिफ्ट किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो बॉडी में डीरेंजमेंट्स हो चुके हैं वो किसी हद तक ऑक्सीजन की जो कमी है, हाइपोक्सीमिया जो डेवलप हो चुका है, वो नॉर्मल की तरफ आए। बाद में फिर हमारे पास जब हमने पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ करना होता है, अगर वो उसकी हमें लग रहा होता है कि अब यस इस काबिल है लंग्स भी और इस काबिल है पेशेंट भी कि वो थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट शो करेगा और बेहतरी की तरफ आते, तो हम फिर वेंटिलेटर से ऑफ करते हैं। उससे पहले हमने ये एपिसोड लाने होते हैं, मतलब वेंटिलेटर की सेटिंग को इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि हम उसकी मैंडेटरी वेंटिलेशन वाली चीज को चेंज करके इस तरह लेके आते हैं कि पेशेंट का एक टाइम आता है जिसमें हम उसको हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं, मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद हम थोड़े से टाइम के लिए उसको लेस करके, मतलब उस टाइडल वॉल्यूम को बहुत डिक्रीज करके हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी एफर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करने के, मतलब उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एकदम से ऐसे ही नहीं होता कि वेंटिलेटर ऑन किया एक बटन है और ऑफ कर दिया एक बटन है, बाकायदा सेटिंग्स होती है। सो इसके लिए बड़े वेंटिलेटर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में, हर बंदा, इवन हर मेडिसिन का डॉक्टर भी उसको ऑपरेट खुद नहीं कर सकता। बेहतर होता है कि वेंटिलेटर एक्सपर्ट ही उसको यूज करे, क्योंकि उसकी बाकायदा सेटिंग्स के हिसाब से ही पेशेंट को डील करना होता है, अदरवाइज हम वेंटिलेटर पे पेशेंट की डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी क्या होती है, विली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, VILI अक्सर इसको एब्रीविएट किया जाता है, MCQs में आपके ना ये इस नाम से अक्सर आता होता है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि एक तो डैमेज्ड लंग्स हैं, डेफिनेटली जिस पेशेंट को हमने वेंट पे शिफ्ट किए 99% केसेस, एक तो वेंट पे हम शिफ्ट करते हैं ना पेशेंट को सर्जरी के दौरान, मतलब कोई भी सर्जरी आपने करनी है जिसमें एनेस्थीजिया देना है तो हमें पेशेंट को साथ वेंट पे शिफ्ट करना पड़ता है। चलो वो सर्जरी सपोज मेरे पास एब्डोमेन की है तो पेशेंट के लंग्स तो ठीक है ना, उस केस में वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी होने का खतरा बहुत कम होता है जो हेल्दी लंग्स हो। लेकिन जो आपके होते हैं ना डैमेज्ड लंग्स, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और डैमेज्ड लंग्स में
इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही होती है अब। हाँ जी, तो मैं आपसे कहती कि वेंटिलेटेड न्यूज लंग इंजरी में इस वजह से हमारे पास डैमेज लंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज होते हैं जब पेशेंट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है वेंटिलेटर एक खास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो मुसलसल अंदर भेज रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो अंदर जा रही है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स में जा रही है, उसकी वजह से जो होता है उसको कहते हैं वॉलियोट्रॉमा। ठीक है, पेशेंट के लंग्स को डैमेज लंग्स में मुसलसल एक वॉल्यूम अंदर आ रहा है, आया जा रहा है, और वो ज्यादा वॉल्यूम है जितना वो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो उसको वॉलियोट्रॉमा कहते हैं। फिर हमारे पास अगली चीज होती है कि एक हाई प्रेशर के साथ आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि हम पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, तो जब प्रेशर ज्यादा आता है तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा लंग्स को होता है उसको कहते हैं वेरोट्रॉमा। फिर अगर हमारे पास ऐसा होता है कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर सही मेंटेन, मतलब उतना ज्यादा नहीं है कि पेशेंट के लंग्स जो है वो एल्वोलाय खुले रहे एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, ये मैंने कहा था ना कि जब एक्सपायर होता है तो एल्वोलाय कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एल्वोलाय कोलैप्स हो रहे होते हैं। सम काइंड ऑफ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपके ये पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के बावजूद भी एल्वोलाय कोलैप्स हो रहे होते हैं, और उसको हम कहते हैं एटिलेक्टोट्रॉमा, यानी एटिलेक्टेसिस हो रहा होता है बार बार एल्वोलाय का। चौथी बात जो हो रही होती है वो ये है कि हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लंग्स में एक्टिवेट हुआ होता है बिकॉज ऑफ दिस होल इंटीबेशन और वेंटिलेशन का प्रोसेस। उसकी दो वजह होती है, एक तो ये कि वैसी लंग्स में कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो वैसे भी चल रहा है, और ऊपर से एक फॉरेन बॉडी भी अंदर आई हुई है जो हमारा वो है इंट्यूबेशन है जो चेस्ट ट्यूब है, चलो वो भी कुछ नहीं कहती, लेकिन स्टिल एक बाहर से बार बार साइक्लिकल ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो बाहर से इनिशिएट हुआ है। हम जो खुद करते हैं वो तो अलग चीज होती है, वो फिजियोलॉजिकल होता है, लेकिन वेंटिलेटर के पेशेंट्स में बाहर से इनिशिएट हुआ हुआ होता है। इस वजह से उसकी वजह से आपके पास मुसलसल बॉडी में ब्लड में साइटोकाइंस रिलीज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोट्रॉमा। ठीक है, तो ये चार तरह के ट्रॉमास है जो कि लंग इंजरी, वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉल्यूट्रॉमा है, बेरोट्रॉमा है, टिलेक्टो एंड बायोट्रॉमा। अब इनको हमारी ये कोशिश होती है कि हमने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये जरूरत होती है कि हम थोड़ा लेवल ऑफ हाइपरकैपनिया बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम पेशेंट को इतना टाइडल वॉल्यूम और इतना प्रेशर ना दें कि उसके लंग ही डैमेज हो जाए। ठीक है, हाइपरकैपनिया का मतलब होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे, अगर पेशेंट की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो ठीक नहीं होगी, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरकैपनिया हो जाएगा। तो हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम इस वॉल्यूट्रॉमा और इस बेरोट्रॉमा को ना होने दें, और हम थोड़ा लेवल ऑफ हाइपरकैपनिया बर्दाश्त कर लें। मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होनी चाहिए, उसके बजाय हम ये जरूर कर लें कि हम थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बेशक इंक्रीज भी हो जाए, लेकिन पेशेंट इस वॉल्यूम और इस प्रेशर के ट्रॉमा से बच जाए, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात होती है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इंड्यूस करनी होती है, सेटिंग रखनी होती है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। फिर दूसरी चीज होती है कि हमने पेशेंट को उसके साथ मसल रिलैक्सेशन, मैंने कहा आपको पहले बता दी, लास्ट में देनी है, ताकि पेशेंट अगर अपनी एक्सपिरेटरी या अपनी ब्रीदिंग एफर्ट ज्यादा शो करेगा तो डैमेज लंग्स मजीद डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंट्यूबेशन। तो यहां पर हो गया हमारे पास ये वेंटिलेटर का किस्सा मोटा मोटा सा खत्म। मैंने जितनी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो सारी आपको बता दी है। इन कॉन्सेप्ट को लाजमी याद रखना, वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां तक किसी कोई मसला हो कि नासमी, थैंक यू।